अररिया में जो पुल प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन था, अप्रोच रोड उसका नहीं बना था और वह उपयोग में भी आम लोगों के लिए नहीं था। जल प्रवाह बदलने के चलते और निर्माण की गुणवत्ता में कमी के चलते वह पुल ध्वस्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। तत्संबंधी कार्रवाई आज ग्रामीण कार्य विभाग का तकनीकी टीम वहाँ जा रहा है, जो भी सक्षम कार्रवाई है वह भी किया जाएगा और उसकी तकनीकी जांच कर करके उसके नतीजे के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले बिहार में अगवानी पुल गिरा और लगातार कितने सवाल खड़े भाई हो रहे हैं भाई बिहार में। भाई, निर्माणाधीन पुल है, अप्रोच रोड नहीं बना है और मुझे जहाँ तक स्मरण है कि 2021 से ही बन रहा है और अब तक वह पूरा नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से उसमें पानी का धार बदला क्या मामला है तो तकनीकी टीम उसकी जांच करेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई अप्रत्याशित नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, इसको कौन इनकार कर रहा है। तो नहीं कह रहा है कि नहीं टूटा है पुल, पुल टूटा है और तकनीकी टीम जब तक की रिपोर्ट नहीं देती है तब तक के उस पर कौन इसके लिए गुनाहगार है, क्या क्वालिटी में कमी थी, इन तमाम तथ्यों की वो जाँच करेगा। अररिया में जो पुल प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन था, अप्रोच रोड उसका नहीं बना था और वह उपयोग में भी आम लोगों के लिए नहीं था। जल प्रवाह बदलने के चलते और निर्माण की गुणवत्ता में कमी के चलते वह पुल ध्वस्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। तत्संबंधी कार्रवाई आज ग्रामीण कार्य विभाग का तकनीकी टीम वहाँ जा रहा है, जो भी सक्षम कार्रवाई है वह भी किया जाएगा और उसकी तकनीकी जांच कर करके उसके नतीजे के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले बिहार में अगवानी पुल गिरा और लगातार कितने सवाल खड़े भाई हो रहे हैं भाई बिहार में। भाई, निर्माणाधीन पुल है, अप्रोच रोड नहीं बना है और मुझे जहाँ तक स्मरण है कि 2021 से ही बन रहा है और अब तक वह पूरा नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से उसमें पानी का धार बदला क्या मामला है तो तकनीकी टीम उसकी जांच करेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई अप्रत्याशित नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, इसको कौन इनकार कर रहा है। तो नहीं कह रहा है कि नहीं टूटा है पुल, पुल टूटा है और तकनीकी टीम जब तक की रिपोर्ट नहीं देती है तब तक के उस पर कौन इसके लिए गुनाहगार है, क्या क्वालिटी में कमी थी, इन तमाम तथ्यों की वो जाँच करेगा। अररिया में जो पुल प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन था, अप्रोच रोड उसका नहीं बना था और वह उपयोग में भी आम लोगों के लिए नहीं था। जल प्रवाह बदलने के चलते और निर्माण की गुणवत्ता में कमी के चलते वह पुल ध्वस्त हुआ, यह बिल्कुल सही है। तत्संबंधी कार्रवाई आज ग्रामीण कार्य विभाग का तकनीकी टीम वहाँ जा रहा है, जो भी सक्षम कार्रवाई है वह भी किया जाएगा और उसकी तकनीकी जांच कर करके उसके नतीजे के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले बिहार में अगवानी पुल गिरा और लगातार कितने सवाल खड़े भाई हो रहे हैं भाई बिहार में। भाई, निर्माणाधीन पुल है, अप्रोच रोड नहीं बना है और मुझे जहाँ तक स्मरण है कि 2021 से ही बन रहा है और अब तक वह पूरा नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक रूप से उसमें पानी का धार बदला क्या मामला है तो तकनीकी टीम उसकी जांच करेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई अप्रत्याशित नहीं होता है, ऐसा हो जाता है, इसको कौन इनकार कर रहा है। तो नहीं कह रहा है कि नहीं टूटा है पुल, पुल टूटा है और तकनीकी टीम जब तक की रिपोर्ट नहीं देती है तब तक के उस पर कौन इसके लिए गुनाहगार है, क्या क्वालिटी में कमी थी, इन तमाम तथ्यों की वो जाँच करेगा।